बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को क्रीड़ा समिति की जिला स्तरीय बैठक बीएसएफ कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से विद्यालयों में अगस्त माह तक न्याय पंचायत स्तर की प्रतियोगिता आयोजित किए जाने, सितंबर माह तक विद्यालयों में ब्लॉक और तहसील स्तर पर खेल प्रतियोगिता आयोजित किए जाने, अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह तक जिले के विद्यालयों में खेल प्रतियोगिता आयोजित किए जाने, वहीं अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक मंडल स्तर पर विद्यालयों में खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित किए जाने और नवंबर माह में विद्यालयों में राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित किए जाने की रणनीति पर मंथन किया गया। बैठक के दौरान जिला व्यायाम शिक्षक रीना सिंह, जिला व्यायाम शिक्षक श्रवण यादव, नगर व्यायाम शिक्षक अक्रम परवेज, खेल शिक्षक प्रेम नारायण गुप्ता, प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष भक्तराम त्रिपाठी सहित कई खेलकूद शिक्षक मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिला व्यायाम शिक्षक अधिकारी रीना सिंह ने बताया, चारों तरफ से क्लासेस होती हैं अभी सर, उसके लिए स्टेडियम ही बेटर बेटर है क्योंकि वहाँ पर फील्ड है, वो है चार सौ मीटर की ट्रैक है और कबड्डी नॉर्मल है ज्यादा। वहाँ पर काफी साधन पहुँच जाते हैं और रहते हैं बच्चे नदी दूर ना हो सबसे बढ़िया वहाँ रहने के लिए मिल जाएगा और तीन दिन के लिए बात करिए तो ज्यादा अच्छा बताइए और अगर हम लोग यहाँ कराते भी है तो परमिशन लेना पड़ेगा हम लोग तो भदौरिया साहब है हमारी जिंदगी बिल्डिंग अपनी बनी हुई है ना, अगर सफाई कर लेबर लगा के सफाई कर दो रथ साधन देना ये देना वो देना जब भी अब सब इंटरेस्ट लिए हैं बहुत अच्छा गेम हुआ है। जब उसको जैसे पहले बजट था वो सब आता था फीस वगैरह तो वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे, जब से बजट लेट आने लगा सर हम लोग अपना जी ऐसा बात मत करिए, इन्वॉल्व तो जब आप लोग पूछते नहीं है तो हम इन्वॉल्व नहीं है अपने पदाधिकारी लिया मंत्री और संगठन
जब इंटरेस्ट लेता है तो गेम बढ़िया होती है, नहीं लेगा उदासीन होगा, उसको नहीं पूछा जाएगा और आप लोग फाइनल हो जाएंगे। नहीं तो हम लोग रात में कहां क्या होती है, अध्यापक फोन से कई बार खर्च मारे हमारी जिला क्रीड़ा समिति की बैठक है जो हर प्रत्येक वर्ष होती है और जिसमें कि हम लोग एनुअल जो स्पोर्ट्स होते हैं उसके लिए बेसिक का हम लोग करते हैं, जिसमें इस बार ये स्पेशल है कि हमको स्टेट लेवल के 4 गेम मिले हैं जो हमें यहाँ पे कराने हैं, बास्केटबॉल, कुश्ती, कबड्डी एंड राष्ट्रीय एकांकी, इनकी तैयारी भी हमको करनी है और इसके साथ जो है हम सितंबर लास्ट तक हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कर लेंगे, अक्टूबर में मंडल है महाराजगंज में और उसके बाद नवंबर में भी स्टेट की डेट हम लोग डिसाइड करेंगे। 5 जो मंडलों में स्टेट है जिसमें गोरखपुर एक मंडल है जिसमें 4 गेम किए गए हैं। ये वेन्यू पहले तो हम लोग कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रैली कराएंगे, हमेशा नॉर्मल कन्या दीक्षा विद्यालय में कराते थे, 2 साल पहले हम लोग यहाँ रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में कराते थे, लेकिन वेन्यू डिसाइड करने के लिए हम लोग यहाँ पे अभी नॉर्मल कन्या दीक्षा विद्यालय में है जो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रैली करेंगे, फिर मंडल रैली हमारी महाराजगंज में है और फिर स्टेट कुछ पार्ट यहाँ 4 गेम गोरखपुर में है, बाकी और गेम देवीपाटन मंडल, लखनऊ मंडल, झांसी मंडल, बरेली मंडल में होंगे। नाम रीना सिंह, जिला व्यायाम शिक्षिका।